तो वेद व्यास जी से ये दूसरा जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया के लिए कि भागवत में कौन अधिकारी है, कौन भागवत जी को सुन सकता है। तो तय करिए कि आपके अंदर वो गुण है निर्मत शरणम सताम। भैया भागवत कौन सुन सकता है? जिसका हृदय निष्कपट हो, जिसके अंदर कपट ना हो, जिसके अंदर जलन ना हो, जिसके अंदर जेलसी ना हो। अब तय करिए कि भागवत जी में एक धर्म का निरूपण है। तो संसारी जो कथा को सुन रहे हैं, क्या उनका हृदय निष्कपट है? दूसरे के उत्कर्ष को देख करके जो जलने लगे, उसे गाह कहते हैं, उसे ईर्ष्या कहते हैं। मेरा घर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन इसका नहीं बचना चाहिए। कुछ भी हो जाए, पड़ोसी का काम नहीं बनना चाहिए। इसको कहते हैं जलन, इसको कहते हैं जेलसी, इसको कहते हैं ईर्ष्या। जो दूसरे के उत्कर्ष को, दूसरे की तरक्की को देख करके जलने लगे, रोने लगे, परेशान हो जाए, वह व्यक्ति कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। ये वेद व्यास जी कहते हैं।